हाय गाइज, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आपका जीएस पाठशाला में। ये हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें ये चैप्टर 6 है क्लास 6 का। प्लीज़ गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। ये हमारा चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि राज्य क्या होता था, कैसे राज्य का रचना हुआ, राजा किस तरीके से उनका पावर बढ़ा या राजा का रचना होता, उनका अथॉरिटी क्या था, अधिकार क्या था उनके पास, और गणराज्य क्या होता सबसे इम्पोर्टेंट। इसके पहले हम लोग राजा के बारे में थोड़ा सा देख चुके थे कि जो व्यक्ति अपने पूरे इलाके में मजबूत होता था, पावरफुल होता था, जो लोगों का रक्षा कर सकता था, लोग उसे राजा बना देते थे, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा अथॉरिटी नहीं होता था, सिर्फ नाम के राजा होते थे। लेकिन अब हम लोग जरा काम के राजा पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पहला हम लोग देखते हैं शासक बनने की प्रक्रिया क्या थी। देखिए, पहले तो हम लोग देख चुके थे पिछला चैप्टर में, जैसा कि जन या लोगों द्वारा चुन लिया जाता था। कुछ जगह में इस वक्त भी हो रहा था कि जन या लोग, और ये जो एज है ये उत्तर वैदिक काल का एज है, उस पर भी आएंगे। अभी थोड़ा सा राजा पर देख लिया जाए। फिर हम लोग देखते हैं कि राजा कुछ बड़े बड़े यज्ञ करवा देते थे, जैसे एग्जांपल में अश्वमेध यज्ञ, और खुद को राजा के रूप में घोषित कर देते थे। जो ये यज्ञ होता था, तो यज्ञ में राजा का एक प्रॉपर स्थान होता था। दूसरा, राजा के जो सारथी होते थे राजा के विजय गाथा का गुणगान करते रहते थे। तीसरा, हम लोग देखते हैं राजा के जो संबंधी होते थे वो भी यज्ञ में भाग लेते थे, यानी यज्ञ के क्रियाकलापों को पूरा करने में सहयोग देते थे, और आसपास के बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित भी किया जाता था, जिनका काम होता था वहाँ पर बैठ के यज्ञ के सारे प्रक्रियाओं को देखना। जो वैश्य होते थे उनका काम होता था उपहार लाना। वैश्य हमेशा चाहते थे कि हम ऐसा कुछ उपहार दें राजा को, ताकि राजा मेरे से प्रसन्न हो और उनके व्यापार में किसी भी तरह का समस्या हो तो राजा उसमें हेल्प कर सके, जैसे आज भी देखने को मिलता है। और जो शूद्र होते थे उन्हें यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इसमें हम लोग ये भी देखते, जो अश्वमेध यज्ञ था ये कुछ ऐसा था, आप सभी अगर रामायण देखे होंगे तो पता होगा कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था जो राजा अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। जितने दूर तक वो घोड़ा गया उतने दूर तक राजा का क्षेत्र कहला जाता था, जब तक कोई राजा उस घोड़ा को रोके नहीं। जो भी राजा उस घोड़े को रोक लेता था उसे राजा दूसरे राजा से युद्ध करना पड़ता था, यानी उस राजा से युद्ध करना पड़ता था जिसका वो घोड़ा होता था, जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा होता था। युद्ध में अगर जिसका घोड़ा है वो राजा विजय हो जाए तो सवेरिया घोड़े वाले राजा का, और अगर जिसका घोड़ा नहीं है, जो घोड़ा रोका है, वो अगर युद्ध में विजय हो जाए तो सभी एरिया उसी का हो जाता था जो घोड़ा को रोका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें जो शूद्र आया, वैश्य आया, तो इस पर जरा डिस्कस करते हैं ये सभी आए कहाँ से। इसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, उसके पहले जरा सा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल, उसे समझें। देखिए, उत्तर वैदिक काल जो था उसे उत्तर, उसमें तीन ग्रंथ लिखा है, तीन मेनली तीन वेद लिखा है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया या उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इसके पहले हमारा ऋग वैदिक काल था, जिसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था। उसमें हमने देखा कि ऋग वैदिक काल में केवल ऋग्वेद लिखा गया था, और ये जो उत्तर वैदिक काल है इसमें बाकी के तीन वेदों का रचना किया गया था। और ये जो वेद है इनका रचना गंगा यमुना के क्षेत्र में हुआ है, वो ऐसे पता चलता है क्योंकि इन तीनों वेदों में गंगा यमुना का बहुत बार जिक्र किया गया है। इससे आभास होता है कि इनका रचना गंगा यमुना के क्षेत्र में कहा किया गया था। जैसे जो ऋग्वेद है उनका रचना सरस्वती सिंधु के आसपास किया गया था, इसलिए उसमें सरस्वती और सिंधु सब सैंधव नदियों का जिक्र ज़्यादा किया गया है, गंगा यमुना का कम है। ये हमें अंतर देखने को मिलता है। दूसरा, देखिए, ऋग्वेदिक काल जो था वो पूरी तरीके से नैतिकता पर आधारित है, पूरी तरीके से उसमें जितना भी सारा बात किया गया है नैतिक मूल्यों पर आधारित सारा बात है। पूरे समाज को नैतिकता के सूत्र में बांधना चाहता ऋग्वेद। लेकिन उसके बाद के उत्तर वैदिक काल में थोड़ा करप्ट होने लगे लोग, और यहाँ पर नैतिकता का बात नहीं किया गया है। यहाँ पर जो बात किया गया है इसमें ब्राह्मणवाद का बात है, क्षेत्रीयवाद का बात है, शूद्रों को, महिलाओं को कम आका गया है, इसमें दबा के रखा गया। दूसरा देखते हैं, इन वेदों की रचना पुरोहितों ने की थी। इसमें बहुत सारे अनुष्ठान, सामाजिक नियमों का भी वर्णन है जो उस समय समाज में चलते होंगे। अनुष्ठान यानी पूजा पाठ हो गया, सामाजिक नियम यानी सोसाइटी का जो भी रीति रिवाज रहता होगा, उन सबों का वर्णन किया गया है। मेनली इन वेदों का रचना पुरोहितों ने किया था, और पुरोहितों ने जितने भी लोग थे उन्हें चार वर्गों में बांटा, वर्ग यानी क्लास। जैसे सपोज डेड आप क्लास वन में है, एग्जाम में पास करेंगे तो क्लास टू में जाओगे, फेल कर गए तो उसी में रह जाओगे। तो उसी तरीके से पुरोहितों ने समाज को चार वर्गों में बांटा उनके कार्यों के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये जो वर्ग थे वो वर्ण में तब्दील हो गए। वर्ग जो था हमारा ओपन सोसाइटी था, यानी अगर कोई व्यक्ति शूद्र है और
वो ज्ञान अर्जित कर लेता है, वेद पढ़ लेता है, तो वो ब्राह्मणों का कार्य कर सकता था। बलिष्ठ हो गया तो क्षत्रियों का काम कर सकता था, व्यापार करने लगा तो वैश्य कहला सकता था। इस तरीके से सबों के लिए द्वार खुला हुआ था। अगर ब्राह्मण ही सपोज डेट वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, किसी काम के नहीं है, तो वो अल्टीमेटली लोगों को सेवा करने का उनका काम मिल जाता है। तो सेवा करने का काम मिला तो वो शूद्र के श्रेणी में आ जाते थे, ये नियम था। लेकिन बाद में क्या होता है, इन वर्ग व्यवस्था को, जो कि ओपन सोसाइटी था, इन्हें क्लोज सोसाइटी में डाल दिया जाता, जो वर्ण वर्ग व्यवस्था से वर्ण व्यवस्था में पहुंच गए। पहले वर्ग व्यवस्था थे, बाद में वो वर्ण व्यवस्था में तब्दील हो गए। इन चारों वर्णों पर जरा डिटेल्स में अगर डिस्कस करें तो देखते हैं, ब्राह्मणों को अधिकार था कि वेद का अध्ययन और अध्यापन कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे, उपहार ले सकते थे। क्षत्रियों को अधिकार था युद्ध करना, लोगों का रक्षा करना और यज्ञ कर सकते थे। वैसे कृषि, पशुपालन, व्यापारी और यज्ञ करने का भी अधिकार था। शूद्रों को ये उपरोक्त में से जो तीन वर्ग हैं, तीनों का सेवा करने का उन्हें अधिकार था, या उनका कार्यभार था कि इन तीनों का सेवा करना है। यज्ञ अगर अनुष्ठान नहीं कर सकते थे, वेद नहीं पढ़ सकते थे। महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना गया, उन्हीं के श्रेणी में रखा गया। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और लास्टली अनटचेबल। अनटचेबल बाद में आया तो उस पर बाद में डिस्कस किया जाएगा। अभी जो मेनली हमारा चार वर्ण या वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस पर डिस्कस करते हैं। कहा जाता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज हैं, यानी दोबारा जन्मने वाले, जिनका दोबारा जन्म होता है। लेकिन जो शूद्र थे उनका दोबारा जन्म नहीं होता था, वो आखिरी जन्म कहा जाता था। उस समय के वेद के अनुसार या उस समय के जो भी नियम धर्म थे उनके अनुसार शूद्रों का दोबारा जन्म नहीं होता था। फिर हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पर देखें तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे ये मेनली आर्यंस कहलाते थे। जैसा हमने पिछले एक दो चैप्टर पहले पढ़ा था, आर्यंस, आर्यों का आगमन भारत में, आर्यन जो आए थे। और हम लोग देखते हैं जो शूद्र थे वो नन आर्यंस कहलाते थे। देखिए स्टोरी दो तरीके से है। एक स्टोरी बोलता है कि आर्यन जब भारत में आए तो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके साथ इनका युद्ध हुआ, चूँकि आर्यंस के पास रथ था और जिस कारण से वो युद्ध जीत जाते हैं, और युद्ध जीतने के बाद यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं और वो शूद्र कहलाते हैं। एक धारणा ये बोलता है। दूसरा धारणा बोलता है कि नहीं, समाज में सारे लोग थे, लोग अपने कर्मों के अनुसार उन्हें बांट दिया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जिस जैसा काम काम कर रहे हों, और काम के अनुसार जो लोग बांटे जाते थे उसके बाद वो अपना स्थिति सुधार भी सकते थे। अगर शूद्र काफ़ी पैसा अर्जित कर लिया, वो व्यापार करना चाहता है सेवा करने की जगह, तो कर सकता था। लेकिन बाद में ये रिजिड हो गया व्यवस्था कि नहीं, अब नहीं हो सकता, अब वर्ण में बदलाव नहीं हो सकता, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी करे, क्षत्रिय क्षत्रिय ही रहेगा, वैश्य वैश्य ही रहेगा, शूद्र शूद्र ही रहेगा। इस तरीके से एकदम पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया गया, जो आज तक हमारे इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा अभिशाप बन के रह गया है। देखिए जब हम लोग देखते हैं इसे ध्यान से, तो ऋग्वेद जब पढ़ेंगे आप तो उसे पता चलेगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्रों का निर्माण हुआ। लेकिन इस कहानी के डिटेल्स में जब हम लोग जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, तो इसके पीछे का हमारा कारण ये है कि जो विराट पुरुष है वो हमारा आइडल पर्सन हो गए हैं। और ब्राह्मणों का काम क्या था, मुख से वाचन करना, चाहे विद्या का वाचन हो, वेदों का वाचन हो, काव्य पाठ हो, या किसी भी तरह का काम जो भी होता था उस समय। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ऋग्वेद या जितने भी वेद थे वो लिखा नहीं गया था, वो बोल कर पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, यानी सारा काम मुख से हो रहा है। और विराट पुरुष को हमारा आइडल पर्सन माना गया है, इसलिए कहा जाता था कि ब्राह्मण जो है फ्रॉम माउथ आए हैं, यानी मुख से आए हैं विराट पुरुष के, क्योंकि उनका सारा काम मुख पर डिपेंड है, उनके माउथ पर डिपेंड है, इसलिए कहा जाता था कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण आए। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो दूसरा धारणा है इसी का, पुरुष सूक्त के 10वें, हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो लिखा है कि विराट पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय, भुजाओं यानी हैंड से क्षत्रिय आए हैं। तो क्षत्रिय का काम क्या था, रक्षा करना। रक्षा करने के लिए क्या करना होगा, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के लिए भुजाओं में बल होना आवश्यक है।
तो इसके इस विहाप में कहा गया कि क्षत्रिय जो हैं वो भुजाओं से आए हैं विराट पुरुष के। उसी तरीके से वैश्य के लिए कहा गया कि थाई यानी जांघों से आए। तो जो लोग कृषि करते हैं उस समय हल का मतलब बैल के द्वारा हल खींचने का ज्ञान नहीं हुआ था लोगों को, लोग खुद खींचा करते थे। तो लोग जब हल खींच रहे हों या बैल के द्वारा भी अगर खींचते हों तो उनके थाई पर काफ़ी बल लगता है। जैसे आप साइकिलिंग करोगे तो आपको पता चलेगा आपका थाई जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो थाई पे बल लगता था। इसलिए कहा जाता था कि वैश्य जो हैं, मेनली वैश्य का काम कृषि था, तो वैश्य जो हैं वो विराट पुरुष के जांघों से आए हैं। अशूद्र, शूद्रों का काम क्या होता था, लोगों का सेवा करना, जैसे नाई हो गए या तो फिर साफ सफाई करना हो या इस तरह का जो भी काम होता था उसके लिए दूर दूर तक चलना पड़ता था, चल के काम करना पड़ता था। तो उनके लिए चरणों में पैरों में बल होना आवश्यक था, जिस आधार पर कहा गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्रों का निर्माण हुआ है। लेकिन इस थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा अलग ही तरीके से, अलग ही सेंस में ले लिया गया कि मुख से आए हैं तो सुपीरियर हो गए, भुजाओं से आए हैं तो सेकंड नंबर में आएंगे, जांघों से आए हैं तो उनका भी नंबर थर्ड आएगा, ऊंचे स्थान पर रहेंगे, अशूद्र चूंकि चरण से आए तो निचले स्थान पर रहेंगे। इस तरीके से मिस इंटरप्रेट कर दिया गया पूरे वेद को। लेकिन अगर आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे जो कि पूर्णतः नैतिक मूल्यों पर आधारित है, तो उसमें आपको इस तरह का जो वर्तमान में हमारा वर्ण व्यवस्था बटा हुआ है ऐसा कोई धारणा देखने को नहीं मिलता है। और ऋग्वेद ही हमारे समाज का या वेद का सबसे पवित्र और सबसे ऑथेंटिक आधार है रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनपद। देखिए जनपद कहाँ से है, जन यानी लोग, पद यानी उनके पैर जहाँ पर पड़ रहे हों, यानी लोगों के बसने की जगह। कुल मिलाकर जन लोगों का समूह था, वो समूह जब बड़ा हो गया तो विश्व कहला गया, विश्व जब बड़ा हुआ तो जनपद कहलाया, जनपद जब और बड़ा हुआ तो महाजनपद कहलाया। यानी जन से विश्व, विश्व से जनपद, जनपद से महाजनपद तक का जो सफर था उसे हम लोग आज थोड़ा देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो राजा महायज्ञ कहलाते थे उनका राज्य जनपद कहलाने लगा था। और महायज्ञ तभी करवा सकते थे जब वो बड़े लेवल पर ब्राह्मणों को दान दे सकें, और दान तभी दे सकेंगे जब उनका सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगा, और सोर्स ऑफ इनकम तभी ज़्यादा होगा जब इनका टेरिटरी एरिया जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा उनके साम्राज्य का, वो बड़ा होगा। क्योंकि जो अगर बड़ा क्षेत्रफल होगा तो ज़्यादा लोग उसमें इंटर होंगे, अधिक लोग, अधिक उसमें भूमि होगा, अधिक भूमि होगा तो अधिक खेती होगा, अधिक खेती होगा तो अधिक टैक्स मिलेगा, और अधिक टैक्स मिलेगा तभी उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तभी वो बड़े यज्ञ करवा सकते हैं जिसमें ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दे सकते हो। तो अल्टीमेटली महायज्ञ तभी करा सकते हैं जब उनका एरिया बड़ा हो, जिस कारण से जो महायज्ञ राजा करवा लेते थे उनका जो एरिया था वो जनपद कहलाने लगता था। हमने ऐसा कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं पुराना किला दिल्ली, फिर हस्तिनापुर देखते हैं जो कि मेरठ में पड़ता है यूपी राज्य में, तीसरा हम लोग देखते हैं अतरंजी खेड़ा एटा के पास पड़ता है। ये जनपदों का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उस समय ज़्यादा बड़े बड़े महल नहीं हुआ करते थे राजाओं के महल के अलावा, मेनली लोग झोपड़ियों में रहा करते थे, पशुपालन करते थे, और खेती के लिए लोग चावल, गेहूं, दाल, जौ, धान, तिल, सरसों, इस तरह के अनाजों का खेती किया करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाए करते थे जैसे चित्रित, धूसर मिश्रित भांड हो गया। तो इस तरह से सोसाइटी चल रहा था। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट महाजनपद। देखिए महाजनपद का जब हम लोग बात करते हैं तो महाजनपद लगभग 500 ईसा पूर्व के कुछ जो जनपद थे वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे और वही महाजनपद कहला गए। महाजनपद यानी इम्पोर्टेंट जनपद, जनपद बोल सकते हैं। और इन और दूसरा कि जिन जनपदों का क्षेत्र और ज़्यादा बड़ा हो जाए वो महाजनपद कहला जाते थे। महाजनपद जो होते थे उनके राजधानी को चारों तरफ से किले से बंद कर दिया जाता था। ये पहला तो सेफ्टी के लिए, दूसरा शो ऑफ के लिए कि हाँ मेरे पास पावर है इतना, तीसरा हो जाता था। अब जो है मोस्टली महाजनपद में खासकर राजाओं के पास अब स्थायी सेना हुआ करती थी जिन्हें रेगुलर पेमेंट भी दिया जा रहा था। जैसे कि हम लोग देखे थे पिछला चैप्टर में कि जो सेना होते थे वो कोई स्पेशल सेना नहीं होते थे परमानेंट, जो समाज के लोग होते थे उस इलाके के उन्हीं में से जब जब भी युद्ध होता था सभी लोग
उस युद्ध में भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब जो महाजनपद का कॉन्सेप्ट आ गया, अब सेना स्थायी होने लगा, अब प्रॉपर सेना का नियुक्ति होने लगा। अब चूंकि सेना नियुक्त करना है तो उन्हें वेतन देना होगा, वेतन देने के लिए राजा वो अपना एरिया बड़ा से बड़ा करना चाहते थे, ताकि ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगा, इनकम बढ़ेगा तो सेना का संख्या बढ़ा पाएंगे, सेना का संख्या अगर बढ़ेगा तो राज्य और समृद्ध होगा। अब राजाओं के बीच अपने क्षेत्रों को बड़ा करने का होड़सा लग गया था। और ये जो लोग थे, एक तो हम लोग देखें कि ना बड़ा एरिया होना चाहिए तभी उससे कर वसूल आएगा, तो कर वसूलने पर भी जरा देखा जाए। देखिए अभी तक क्या था कि ना, कर था स्वेच्छाकारी, जिसे बलि भी कहा जाता था। उसमें होता था क्या, जो इंसान को जो भी इच्छा हुआ राजा को जाके दे दिया दान के रूप में, लेकिन वो था मैंडेटरी, आपको इच्छा है तो दे, नहीं इच्छा तो नहीं दे। लेकिन अब कंपलसरी पेपर हो गया, अब देना ही पड़ेगा। तो जितने भी शासक थे उनको राजपाट चलाना था, जिसके लिए बहुत सारे अधिकारी, एक हायरार्की नियुक्त था, पूरा हायरार्की सिस्टम था, राजा, मंत्री, सेना, सेनापति, इस तरीके से पूरा हायरार्की सिस्टम था। तो उन सबों को वेतन का भी आवश्यकता था, वेतन मिलेगा तभी कार्य करेंगे, तो वेतन आए कहाँ से? तो उसके लिए अब कर व्यवस्था परमानेंट कर दिया गया, अब कर अदा करना एकदम अनिवार्य हो गया है। और कर को वसूलने के लिए, जैसे अभी हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, जीएसटी अब जो लागू हो गया तो उसके ऑफिसर होते हैं, तो उस तरीके से उस वक्त भी कर वसूलने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, जिनका काम होता था लोगों से कर वसूलना, कर का को सही तरीके से मेजरमेंट करना, उसका अकाउंटेंस मेंटेन करना, उन सब वो सारा व्यवस्था था, एक सिस्टम था। तो हम लोग देखते हैं जो कर था वो कुछ इस तरीके से था। कृषि के लिए जो कर था उसे भाग कहा जाता था, जो कि टोटल उत्पादन का हर किसान को 1/6 देना होता था। जो कारीगर होते थे उनको अपना श्रम दान करना होता था, यानी कि फ्री में राजा के लिए कुछ काम कर दिए। पशुपालक को अपना जानवर या उससे जो भी उत्पाद निकले, प्रोडक्ट निकले, वो देना होता था। व्यापारी क्वाइंस देते थे, यानी पैसे के रूप में कर देते थे। उस तरह से शिकारी जंगल से जो भी प्राप्त हुआ, उन्हें मध हुआ या और भी कुछ जानवर प्राप्त हुए या कुछ स्पेशल कुछ प्राप्त हुआ, वो सभी राजा को कर के रूप में डोनेट किया करते थे। फिर राजा उसे अपने पास रखता था या उसे बिजनेस करता था, जो भी राजा करे। फिर हम लोग देखते हैं अब कृषि में भी चेंजेस आने लगा। देखिए अब सोसाइटी बड़ा हो रहा था, लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा था, टैक्सेशन सिस्टम भी आ गया था, तो अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की आवश्यकता था। और कृषि में एक बूम सा आ गया था उसके लिए। और बूम आया कैसे? तो उसके पीछे दो कारण मेनली है। पहला हम लोग देखते हैं लोहे के फाल, और दूसरा धान के पौधे का रोपण। देखिए अभी तक क्या था कि लकड़ी के फाल हुआ करते थे, लकड़ी के फाल से यानी हल से जब खेत जोतने में टूट जाते थे या उतने अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाता था, उतना गहराई से नहीं खोद पाते थे। लेकिन अब लोहे का फाल आ गया, या लोहे का समझ लो हल आ गया था। अब इजली इंसान लोहे के हल से खेत को ज़्यादा अच्छे तरीके से जोत सकता था। और दूसरा टेक्निक क्या था, धान के पौधे का रोपण। जैसे पहले क्या होता है कि ना, पहले बीज छींटा जाता था, बीज से धान का पौधा उग जाता था, धीरे धीरे वो ग्रो करता था, उससे धान निकलता था। लेकिन अब लोगों को एक नया चीज़ पता चला कि ना, वो जो बीज से पौधा निकलता है उसको मिट्टी से फिर निकाल के वापस से अगर रोप दिया जाए तब वो ज़्यादा अनाज देता है। ये जो प्रक्रिया शुरू हुआ तो सभी लोग ये करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जैसे आप ट्रेन से जाओगे तो आपको रास्ते में दिखेगा कि जो किसान है वो एक बंडल सा रखे हुए हैं, उसमें हरा हरा घास ऐसा आपको दिखेगा जो कि धान रहता है मेनली, और उसे बो रहे होते हैं, तो वो धान के पौधे का रोपण कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता था, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलने लगा इस प्रक्रिया से। तो ये कृषि में, उस वक्त की कृषि में एक बूम सा ला दिया था। अब मेनली ये जो काम होते थे वो मुख्यतः उस वक्त दास दासी या जो भूमिहीन खेतियर होते थे, यानी वैसे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं होता था या मजदूर होते थे, वही ये सभी काम मेनली किया करते थे उस वक्त। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मगध। देखिए एग्जाम्पल है, उस समय जो हम लोग महाजनपद का बात किया, तो महाजनपद के पहले जो हमारा जनपद था, ये जनपद से शुरू होगा मगध, और धीरे धीरे महाजनपद में तब्दील होगा। और इसी मगध, यही मगध जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा साम्राज्य का स्थापना करेगा, पूरे भारत पर ये शासन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। ये वो मगध है जिसे आज हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा को आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। ये वही मगध है, विश्व का सबसे पहला सबसे पावरफुल कह सकते हैं राज्य व्यवस्था, जहाँ पर चाणक्य के नियमों का पालन हुआ, जहाँ पर अशोक जैसा क्रूर व्यक्ति भी अहिंसा के मार्ग पर को अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, जहाँ पर
चंद्रगुप्त मौर्य आए तो धनानंद भी आए, जहाँ पर बिंबिसार भी आए। तो इस पूरे मगध को आज हम लोग देखेंगे, उसके समरी को देखेंगे, क्योंकि मगध एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमें अभी उतना ही देखना जितना हमारे एनसीईआरटी क्लासिक्स के बुक में दिया हुआ है। तो मगध का जो निर्माण है 200 सालों में सबसे बड़ा हम लोग देखते हैं जनपद बन गया था, सबसे इम्पोर्टेंट जनपद बन गया था। अगर आप मगध का लोकेशन देखें तो ये हमारा मगध यहाँ पर दिख रहा है, ये जो हो गया मगध हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं मगध को इम्पोर्टेंट बनाने के पीछे का रीजन, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट थे जो मगध जिस कारण से इम्पोर्टेंट बना। देखिए सीधा हिसाब था उस वक्त, जिस राजा के पास जितना ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगा, जितना उसका ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता, उतना ज़्यादा वो सेना रखेगा ज़्यादा तो युद्ध जीतेगा तो साम्राज्य का विस्तार भी करेगा। जैसे कहते हैं ना, पैसे से पैसा आता, उसी तरीके से उस वक्त भी था, पैसे से पैसा आता। तो मेनली मगध का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वह बड़ा ज़बरदस्त था। क्या तो हम लोग देखते हैं ये गंगा और सोन नदी के तट पर था, यानी यहाँ पर गंगा और सोन दोनों होकर बह रही थी। तो दो नदी होने के कारण दोआब था, तो फर्टाइल लैंड था, फर्टाइल लैंड होने के कारण कृषि ज़्यादा होगा, खेती ज़्यादा होगा तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, टैक्स ज़्यादा मिलेगा, इनकम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं यातायात। अब नदी होने के कारण नदी या वाटरवे जो होता था सबसे सस्ता और ईजी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो यातायात इजली हो जाता था दो नदी होने के कारण, जल वितरण आसान था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो मगध था इसके साउथ में यहाँ पर छोटा नागपुर का प्लेटू है, जिस जो कि अभी झारखंड स्टेट में पड़ता है। ये झारखंड जो स्टेट है जंगल से पूरा घिरा हुआ है, इसी से इसका नाम है झारखंड, जंगल का खंड। बिहार से अलग होके अलग राज्य बना 2000 ईस्वी में झारखंड। यहाँ पर हाथी बहुत पाया जाता है, और दूसरा बड़ा जंगल घना होने के कारण लकड़ी भी पाया जाता है, तो हाथी युद्ध में काम आ गए, लकड़ी से भी काफ़ी निर्माण हुए, युद्ध में भी काम आए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे भारत का जो कोल कैपिटल है वो इसी साम्राज्य में पड़ता है, जो एक सिटी है धनबाद वो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है, इसी छोटा नागपुर पठार में पड़ता है। उसके बाजू में फिर जमशेदपुर है जहाँ का टाटा इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस है अपने लोहे के प्रोडक्शन के लिए, तो लोहे का खान भी मिल गया उन्हें, जिस कारण से लोहे का खान मिलने के कारण अब उनका हथियार बनाना ज़्यादा ईजी हो गया, हथियार बनाना भी बेचना भी, मजबूत हथियार का निर्माण होने लगा, तो ये बिजनेस उनका ज़्यादा होने लगा। एक तो कृषि था जो कि उस समय का मेन बिजनेस था, दूसरा हम लोग देखते हैं जंगल में लकड़ी हाथी मिल जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन था, खनिज था, तो हम लोग इस तरीके से 4-5 बिजनेस यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मगध जो है उसमें कुछ शक्तिशाली शासक हुए तो बहुत सारे, लेकिन कुछ स्टार्टिंग के शासकों का यहाँ पर नाम दिया गया है, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, जिस पर हम लोग आगे के वीडियोज में और डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। इसी महापद्मनंद के बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है जो कि उस वक्त के भारत का या प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। ये जो मगध था इसका राजधानी स्टार्टिंग में तो राजगिरी था, बाद में इसे पाटलिपुत्रा कर दिया गया, पाटलिपुत्रा जो कि आज का पटना कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मगध से ही संबंधित एक इन्फॉर्मेशन है, भारत के उत्तर पश्चिम में मेसिडोनिया का राजा जो सिकंदर था जो विश्व विजय करने निकला था उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पहुँच चुका था, यानी पाकिस्तान के पास पहुँच चुका था, पेशावर के पास। वो मगध पर भी आक्रमण करना चाहता था, मगध को भी लूटना चाहता था। उस समय नंद वंश का शासन मगध पर चल रहा था, बहुत सारे देशों को, मिस्र और पश्चिमी एशिया को सबको जीतते हुए यहाँ तक पहुँचा था, व्यास नदी तक। ये आगे बढ़ना चाहता था, भारत पर हमला करके पूरे मगध साम्राज्य को जीतना चाहता था, लेकिन नंद की सेनाएं काफ़ी विशाल थी और उनकी विशाल सेनाओं को देख के सिकंदर के सैनिक मना कर दिए युद्ध लड़ने से। पहले तो वो थक भी चुके थे युद्ध लड़ लड़ के, और दूसरा उनमें हिम्मत नहीं हुआ कि लड़ पाने का उनकी सेना को देख के। अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि सिकंदर किसी राजा से ना हार करके अपने लोगों अपने सेनाओं से ही हार गया था। अगला हमारा राज्य है वज्जी, ये राज्य गणराज्य था, गणराज्य यानी रिपब्लिक, यानी लोगों के द्वारा जहाँ पर शासन व्यवस्था चलाया जाता हो, जैसे आज हमारे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा है, स्टेट में विधानसभा है,
लोग आते हैं वहाँ पे बहस करते हैं, उसके द्वारा मेजोरिटी के आधार पर नियम बनाया जाता है। उसी तरीके का व्यवस्था हमें वज्जी संघ को देखने को मिलता है, जिसे हमारा स्विट्जरलैंड वर्तमान में चल रहा है, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। तो वज्जी संघ में वही वही था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोग सभा करते थे, सभा के द्वारा राजा का चुनाव होता था, सभा के द्वारा नए नियम बनते थे, उनका पालन किया जाता था। जितने भी राज्य में अनुष्ठान होते थे सब मिलकर करते थे। बस इसमें डिमेरिट यही था कि स्त्री, दास, कर्मकार इन सभी को पार्टिसिपेट करने को नहीं मिला था, जिसे यहाँ पे बाय मिस्टेक दर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, दास होना था, स्त्री दास, और जो श्रमिक लोग होते थे उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था इस सभा समिति में। और जो बुद्ध है, महावीर है, इसी जन से यानी गन से निकले थे, उनसे उन्हीं से संबंधित थे, जिसके बारे में बाद में देखेंगे। बहुत सारे राजा लोग इस वज्जी गन पर आक्रमण करना चाहें, जीतना चाहें, लेकिन अल्टीमेटली गुप्त वंश के राजाओं ने इसे इस पर कैप्चर कर लिया था, कब्जा कर लिया था। देखिए, जो वज्जी है, जिसका राजधानी वैशाली है, बिहार में ही पटना के पास पड़ता, विश्व का पहला गणराज्य अगर किसी ने दिया तो मगध ने दिया या बिहार ने दिया, वज्जी संघ ने दिया था, जो कि वज्जी था। यह विश्व का हमारा सबसे प्राचीन और सबसे महानतम गणराज्य रहा है। आज जो हम लोग डेमोक्रेसी का बात करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी अगर बात कर लिया जाए, तो ये यहीं से आता है, वज्जी संघ से ही आता है उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सबसे पहला गणराज्य था पूरे विश्व का। अब ये टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसमें आपको ये 5 क्वेश्चन दिया गया है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, जिसका आप एनालिसिस कर सकते हैं, इस चैप्टर के अनुसार समझ सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए गाइज इतना ही। ये रहा हमारा ऑनलाइन एड्रेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए उन बेल आइकन को भी दबा दें, बाकी आप शेयर करें। कुछ आपको समस्या दिखता हो इस टॉपिक में, इस वीडियो में, तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं दिखता अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।